हेलो एवरीवन माय नेम इज वंश पत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 124 के बारे में जो ये चैप्टर एट है इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है इसके जो पहले सेक्शन है इस चैप्टर के सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर इससे रिलेटेड जो पहले सेक्शन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है सेक्शन वन से लेकर वन तक दो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं इससे पहले के जो केक्शनस हैं वो आप ज़रूर जाके देखिए अगर आपने नहीं देखे तो अब हम सेक्शन 121 से लेकर 124 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सभी सेक्शन जो हैं सिर्फ प्रीगल तो इम्पोर्टेंट है तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 121 से देखिए इस सेक्शन में सिक्योरिटी रिजेक्ट करने की बात हो रही है इस सेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा है पिछली वीडियोज़ में कि कोई पर्सन है उसको सिक्योरिटी के लिए अगर ऑर्डर किया जाता है बोंड uh, एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जाता तो with जा है तो उसको विद और विदाउट श्योरिटीज़ बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया जा सकता है तो तो मान लीजिए किसी को विद श्योरिटीज़ बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर दिया गया तो यहाँ पर वन ट्वेंटी वन में पावर है कि मजिस्ट्रेट वो जो श्योरिटी है ना उसको भी रिजेक्ट कर सकता है रिफ्यूज़ कर सकते हैं तो सेक्शन वन ट्वेंटी वन सबसे वन क्या कह रहे हैं मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी ऑफर्ड मजिस्ट्रेट जो है रिफ्यूज़ कर सकते हैं so अगर कोई पर्सन श्योरिटी ऑफर करता है मतलब मजिस्ट्रेट जो है वो जो श्योरिटी मतलब कि वो गारंटर वो जो पर्सन है उनको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर सकता है और मे रिजेक्ट एनी श्योरिटी प्रीवियसली एक्सेप्टेड बाय हिम और हिज प्री अंडर दिस चैप्टर या फिर उनके प्री ने एक्सेप्ट मतलब की हो श्योरिटी प्री मतलब कि जो उस कोर्ट में उनसे पहले जो मजिस्ट्रेट था उसने एक्सेप्ट की जो है श्योरिटी उनको भी रिजेक्ट जो कर सकते हैं जो प्रेजेंट में जो मजिस्ट्रेट हैं ऑन दी ग्राउंड एट किस ग्राउंड पे कि वो जो श्योरिटी है अनफिट पर्सन है फॉर दी पर्पज़ ऑफ बोन्ड जो श्योरिटी है ना वो जो पर्सन है वो एक अनफिट पर्सन है अनफिट पर्सन कैसे हो सकता है कि उस पर्सन ने या तो सिक्योरिटी उस पर्सन से भी सिक्योरिटी ली जाती है ना कुछ अमाउंट लिया जाता है उस पर्सन ने या फिर सिक्योरिटी गुड ना दी हो अच्छी ना दी हो या फिर वो जो पर्सन है वो रिस्पेक्टेबल ना हो रिप्यूटेड ना हो उसका करेक्टर अच्छा ना हो इस ग्राउंड पे आ, ये डिक्लेयर करके कि वो जो श्योरिटी है मजिस्ट्रेट जो है ये डिक्लेयर करके कि वो जो श्योरिटी अनफिट पर्सन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड डैट यहाँ पर प्रोवाइजो है बिफोर सो रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी उस श्योरिटी को क्यों रिफ्यूज़ कर दिया या फिर उसको पुरानी जो श्योरिटी थी उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया इससे पहले ही शेल आइदर हिमसेल्फ होल्ड एन इंक्वायरी वो इंक्वायरी होल्ड करेंगे एंड वो ऑन ऑथ इस बात की इंक्वायरी होल्ड करेंगे कि वो जो श्योरिटी है वो फिट पर्सन है या फिर नहीं है और कॉज सच इंक्वायरी टू बी हेल्ड एंड रिपोर्ट टू बी मेड देअर ऑन बाई मजिस्ट्रेट टू हिम या फिर मजिस्ट्रेट जो सबोर्डिनेटेड उनके मजिस्ट्रेट हैं उनके नीचे के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको ये कह देंगे वो जो मजिस्ट्रेट हैं ये वाले मजिस्ट्रेट कि तुम इंक्वायरी होल्ड कर रिपोर्ट मेरे को भेजो इस बात की कि वो जो श्योरिटी है वो फिट पर्सन है या फिर तो नहीं इस बात की इंक्वायरी होल्ड की जाएगी कि उसको क्यों रिफ्यूज़ किया गया एक्सेप्ट करने के लिए या फिर क्यों रिजेक्ट किया गया सेक्शन सेकंड क्या कह रहा है सच मजिस्ट्रेट चल वो जो मजिस्ट्रेट होंगे इंक्वायरी होल्ड करने से पहले रीजनेबल नोटिस देंगे किसको रीजनेबल नोटिस देंगे टू द श्योरिटी एक तो श्योरिटी को एंड साथ में उस पर्सन को भी टू द पर्सन बाय होम द श्योरिटी वाज ऑफर्ड वो जो पर्सन है जिसने वो श्योरिटी ऑफर की थी उस, उसको भी वहाँ पर रीजनेबल uh, नोटिस दिया जाएगा इस बात का मतलब जिस पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया ये जो ये पर्सन है जिसने ऑफर किया श्योरिटी एक तो इसको रीजनेबल नोटिस मिलेगा एंड जिस पर्सन को लेकर आया इस श्योरिटी को लेके आए इसको भी रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा उस इंक्वायरी होल्ड होल्ड करने से पहले एंड चल उस इंक्वायरी में क्या होगा रिकॉर्ड सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एड्यूस बिफोर हिम वो एविडेंस लेके आएंगे uh, जो अपोजिट पार्टी है वो एविडेंस लेके आएगी एंड उस इंक्वायरी में जो है इस बात के एविडेंस दिए जाएंगे कि वो जो पर्सन है वो अनफिट पर्सन क्यों नहीं है उसका जो उसकी जो श्योरिटी है वो जो श्योरिटी है वो क्यों एक्सेप्ट की जाए इस बात के जो एविडेंस हैं ये जो ये श्योरिटी है या या फिर वो जो पर्सन है जिसको जिसको बॉन्ड एग्जीक्यूट के लिए बोला गया वो इस बात के एविडेंस इंक्वायरी में देगा कि उस पर्सन को एक्सेप्ट किया जाए एज ए श्योरिटी hmm. मजिस्ट्रेट उस, जो है उसको एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे आगे सबसेक्शन थ्री का कह रहा है सबसेक्शन थ्री का कह रहा है सबसेक्शन थ्री कह रहा है इफ़ द मजिस्ट्रेट इज आफ्टर कंसिडिंग द एविडेंस सो एड्यूस बिफोर हिम वो मजिस्ट्रेट जो सेटिस्फाई हो जाते हैं एविडेंस उनके पास आ गए उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और बिफोर ए मजिस्ट्रेट डिप्यूटेड अंडर सबसेक्शन वन या फिर वो जो सबसेक्शन वन में जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया गया मतलब जो उनके सबॉर्डिनेट में जो मजिस्ट्रेट उस इंक्वायरी के लिए उन्होंने डिप्यूट किया है एंड द रिपोर्ट ऑफ सच मजिस्ट्रेट एंड वो सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसने इन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दिया उसके बाद वो जो मजिस्ट्रेट हैं सेटिस्फाई हो गए हैं दट द श्योरिटी इज अनफिट पर्सन क्योंकि जो, जो श्योरिटी है ना अनफिट पर्सन है तो क्या होगा उस उस बॉन्ड के पर्पज़ के लिए वो जो श्योरिटी है अनफिट पर्सन है ही शेड मेक एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग इस बात का वो जो मजिस्ट्रेट हैं ऑर्डर कर देंगे उस श्योरिटी को रिफ्यूज़ कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे एज अ केस मे बी एंड रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर सोडिंग एंड अपने रीजन्स भी रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है मतलब क्या रीजन्स हैं कि वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि वो जो uh, श्योरिटी है वो एक अनफिट पर्सन है इस बात के जो रीज़न्स है वो रिकॉर्ड करेंगे प्रोवाइजो देर के प्रोवाइडेड दट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी प्रीवियसली एक्सेप्टेड जो प्रीवियसली एक्सेप्ट किया गया ना जिस श्योरिटी को अब उसको अगर रिजेक्ट किया जा रहा है जो ये ये वाला केस है दो केस हैं यहाँ पर एक तो सीधा ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं श्योरिटी सामने आ, है और उसको रिफ्यूज़ किया जा रहा है या फिर इस सेक्शन में ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है जो प्रीवियसली एक्सेप्ट किया की गई है श्योरिटी उसको अगर रिफ्यूज़ किया जा रहा है उस पर्सन को एज ए अनफिट पर्सन कंसिडर कर रहे हैं मजिस्ट्रेट तो अगर ये रिजेक्टिंग वाला केस है तो क्या होगा मजिस्ट्रेट शल इशू हि समन और वॉरेंट एज ही थिंग फिट मजिस्ट्रेट जो है समन या फिर वारंट इशू करेंगे एंड दर्स द पर्सन फॉर होम सच श्योरिटी इज बाउंड किसके लिए समन या फिर वॉरेंट इशू करेंगे मजिस्ट्रेट जो है जिस पर्सन के लिए वो जो श्योरिटी है वो बाउंड था उस पर्सन को समन या फिर वॉरेंट इशू करेंगे वो मजिस्ट्रेट एंड उस पर्सन को कोर्स द पर्सन फॉर होम श्योरिटी इज बाउंड टू अपियर और बी ब्रॉड बिफोर दि बिफोर हिम मतलब बिफोर द मजिस्ट्रेट मतलब किसी पर्सन को बाउंड एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर दिया गया है मान लीजिए एक्स पर्सन है उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया है वो एक श्योरिटी लेकर आया ए और बी मान लीजिए उसको दो श्योरिटीज़ के लिए ऑर्डर किया था कोर्ट ने दो जो श्योरिटी ले आया अब जो कोर्ट जो है कोर्ट कहती है कि जो ये बी पर्सन है ना ये अनफिट पर्सन है पहले तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ दोनों श्योरिटीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं बाद में कोर्ट कहती है कि ये जो ये अनफिट पर्सन मजिस्ट्रेट कहते हैं अनफिट पर्सन है बिकॉज इसका करेक्टर गुड नहीं है यहाँ पर जो सब सेक्शन थ्री है जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे मजिस्ट्रेट वो इस बात का ऑर्डर कर देंगे रीजन रिकॉर्ड कर देंगे अब इस ऑर्डर को करने से पहले ना कि वो एक अनफिट पर्सन है बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन इश्योरिटी बिन प्रीवियसली एक्सेप्टेड पहले तो इनको एक्सेप्ट कर लिया मजिस्ट्रेट क्या करेंगे जो एक्स पर्सन है ना इसको समन या फिर वॉरेंट भेज के मजिस्ट्रेट अपने सामने इसको अपीयर होने के लिए कहेंगे ये जो ये श्योरिटी है इसको रिजेक्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट जो है एक्स को कहेंगे कि अपीयर हो आ, मेरे सामने अपियर हो या फिर उसको एक्स को लेके आ जाए मेरे सामने समन से या फिर वारंट से जो भी मजिस्ट्रेट को वहाँ पर सही लगे तो so, सेक्शन 122 ट्वेंटी टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई जिस पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया उसने सिक्योरिटी नहीं दी तो उसके डिफ़ॉल्ट में सिक्योरिटी के डिफ़ॉल्ट में इंप्रजमेंट हो सकती है सबसेक्शन वन कह रहा है इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन वन हंड्रेड सिक्स और सेक्शन वन हंड्रेड सेवनटीन सेक्शन वन हंड्रेड सिक्स में सेक्शन वन हंड्रेड सेवेंटीन में किसी को ऑर्डर किया गया है कि सिक्योरिटी वो दे और वो सिक्योरिटी नहीं देता है जिस डेट से वो जो सिक्योरिटी का जो पीरियड है कमेंट्स होना है उस डेट पर, पर भी या फिर उस डेट से पहले वो सिक्योरिटी नहीं देता है ही शेल तो उस पर्सन को एक्सेप्ट इन द केस नेक्स्ट देर इन मैंशन कुछ एक कुछ एक केसेस को छोड़ के जो आगे मेंशन किए गए हैं ही शेल वो जो पर्सन अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता है बी कमिटेड टू प्रीजन उसको जेल में डाल दिया जाएगा और इफ़ ही इज ऑलरेडी इन प्रिजन अगर वो ऑलरेडी जेल में है बी डिटेन इन प्रीजन अनटिल सच पीरियड एक्सपायर्स अगर वो ऑलरेडी प्रिजन में है जेल में है तो उसको तब तक जेल में रखा जाएगा अनटिल सच पीरियड एक्सपायर सच पीरियड मतलब कि जिस पीरियड के लिए उसको बोला गया सिक्योरिटी देने के लिए जब तक वो पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक वो जेल में रहेगा और अनटिल विद इन सच पीरियड ही गिव सिक्योरिटी टू दी कोर्ट और मजिस्ट्रेट हु मेड दी ऑर्डर रिक्वायरिंग इट या फिर उसको तब तक डिटेंशन में प्रीजन में रखा जाएगा जब तक वो सिक्योरिटी नहीं देता उस कोर्ट या फिर उस मजस्ट्रेट को जिस कोर्ट या फिर मजस्ट्रेट ने सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया है मतलब अगर उसको ऑर्डर किया गया सिक्योरिटी के लिए एंड वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा उसको जेल में डिटेंशन में प्रिजन में डाल दिया जाएगा एंड तब तक डाल दिया जाएगा जब तक वो पीरियड एक्सपायर नहीं होता उस जब तक उसको सिक्योरिटी के लिए बोला गया है या फिर जब तक उसको डाल दिया जाएगा जेल में डिटेंशन में डाल दिया जाएगा जब तक वो सिक्योरिटी नहीं देता है मान लीजिए एक साल के लिए उसके उससे सिक्योरिटी रिक्वायर की गई है अब उसको वो सिक्योरिटी नहीं देता है अब उसको जेल में डाल दिया गया दो महीने बाद वो सिक्योरिटी का अमाउंट दे देता है तो जो बाकी जब का जो पीरियड है उसको वहाँ से फ्री कर दिया जाएगा उसको जेल से निकाल दिया जाएगा सबसेक्शन वन क्लॉज ए ये कह रहा है सबसे क्लॉज बी क्या कह रहा है इफ़ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़ फॉर कीपिंग पीस इन परसन ऑफ ऑर्डर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन वन हंड्रेड सेवनटीन इज़ प्रूवड किसी पर्सन ने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है विद और विदाउट श्योरिटीज़ करा हो फॉर कीपिंग पीस पीस uh, मेंटेन करने के लिए एंड सेक्शन uh, 117 के अंडर उसने अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया एंड ये प्रूव हो गया ट्रू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट और ए सक्सेसर इन ऑफिस या तो उस मजिस्ट्रेट को ये आ, उनकी सेटिस्फेक्शन पे ये प्रूव हो जाए उस मजिस्ट्रेट की फिर उसके सक्सेसर जो मजिस्ट्रेट उसी कोर्ट में आ, जो नेक्स्ट मजिस्ट्रेट जो आएंगे उनकी सेटिस्फेक्शन पर यह प्रूव हो जाए कि उस पर्सन ने जो सेक्शन 117 में जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया है उसने कमिट करा है बॉन्ड का ब्रीच ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया उसने तो वो जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर उसके जो सक्सेसर हैं वो रिकॉर्ड करेंगे ग्राउंड्स ऑफ सच प्रूफ कि किन एविडेंसेस पे किन प्रूफ पे वो सेटिस्फाई हुए हैं वो 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 उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड उस पर्सन को ऑर्डर कर देंगे कि अ पर्सन बी अरेस्टेड एंड डिटेन इन प्रिजन कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए एंड उसको डिटेन किया जाए प्रिजन में मेंटिल द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड जब तक वो बॉन्ड की एक्सपायरी नहीं होती तब तक उस पर्सन को डिटेन किया जाए प्रिजन में ये वो ऑर्डर कर देंगे मजिस्ट्रेट अगर मजिस्ट्रेट को या फिर उसके जो सक्सेसर है अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उस पर्सन ने बॉन्ड का ब्रीच किया है तो उस पर्सन को डिटेन कर दिया जाएगा प्रिजन में यहाँ पर एक लास्ट लाइन यहाँ पर लिख रखी है एंड सच ऑर्डर शैल बी विदाउट प्रेजडिस विदाउट प्रजिस का मतलब विदाउट इंजरस विदाउट एनी हार्म टू एनी अदर पनिशमेंट और फॉर फ्यूचर टू विच सड पर्सन में वी लाइबल इन अकॉर्डेंस विद लो मतलब ये यह जो यहाँ पर डिटेंशन किया गया ना इस इस पर्सन को डिटेंशन का ऑर्डर दिया गया कि इसको जेल में डाल दो ये जो ऑर्डर है ये तो ठीक है ये अलग ऑर्डर है अब ये ऑर्डर कर दिया गया ना तो इससे जो अदर पनिशमेंट जो उसको मिलनी थी या फिर कोई और फॉरफेचर होना था उसकी प्रॉपर्टी का उसके बॉन्ड का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला मतलब उस पर्सन ने मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कोई पनिशमेंट उसकी कोई पनिशमेंट बन गई एंड उसी एक्ट से ही बॉन्ड का भी ब्रीच हो गया तो उसको वो अदर पनिशमेंट भी मिलेगी साथ में उसको डिटेन भी किया जाएगा प्रिजन में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे फिर नेक्स्ट यहाँ पर सबसे टू सबसेशन टू क्या कह रहा है वन सच पर्सन हैज़ बीन ऑर्डर मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग वन ईयर वन सच पर्सन सच पर्सन मतलब कि जो सबसे वन में जिसकी बात की गई है उस पर्सन को ऑर्डर किया गया मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि सिक्योरिटी दे वो पीरियड के लिए जो कि एक्सीडिंग वन ईयर जो कि एक साल से ज़्यादा है तो वो जो मजस्ट्रेट शेल इफ़ द पर्सन डज नॉट गिव सिक्योरिटी अगर वो पर्सन सिक्योरिटी नहीं देते हैं अगर वो पर्सन सिक्योरिटी नहीं देता है तो उस पर्सन के लिए वारंट इशू किया जा सकता है एंड उसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि उस पर्सन को डिटेन किया जाए प्रिजन में उसको जेल में डाल दिया जाए पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ सेशन जज एंड ये जो ऑर्डर किया है मजिस्ट्रेट ने ये जो मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर ऑर्डर किया है इसकी कन्फर्मेशन यहाँ पर सेशन जज करेंगे एंड द प्रोसीडिंग शेल बी लेड एज सून एज कन्वीनियंटली एज मे बी बिफोर सच कोर्ट मतलब वन ईयर से ज़्यादा अगर किसी पर्सन को सिक्योरिटी के लिए बोला गया है उसके बाद अगर उसको डायरेक्ट किया जा रहा है कि वो आ, प्रिजन में उसको डाल दिया जाए उसको जेल में डाल दिया जाए डिटेन कर दिया जाए जा, उसको प्रिजन में तो वहाँ पर सेशन जज उस ऑर्डर को कंफर्मेशन देंगे तभी उसको एक साल से ज़्यादा जो है डिटेन किया करके रखा जा सकता है जेल में आगे सब सेक्शन थ्री सच कोर्ट सच कोर्ट मतलब कि जो सेशन जज की जो कोर्ट है आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और एविडेंस वो जो सेशन जज हैं यहाँ पर अब सेशन जज ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि उस पर्सन को जो है वन ईयर से ज़्यादा प्रिजन में डिटेन करके करने का ऑर्डर जो है सही है फिर नहीं है तो वो जो प्रोसीडिंग है वो जो सेशन जज जो है जो सेशन कोर्ट है एग्जामिनेशन में उस प्रोसीडिंग के मजिस्ट्रेट से डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन या फिर एविडेंस जो है मंगवाएंगे कि इस केस की फ़ाइल हमें भेजो वहाँ पर को, वो सेशन कोर्ट को सेशन जज को जो मजिस्ट्रेट हैं वो फाइल भेजेंगे सभी एविडेंस भेजेंगे सभी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उसके बाद आ, क्या होगा एंड आफ्टर गिविंग द कंसर्न पर्सन इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो जो पर्सन है जिसको ये ऑर्डर किया गया है डिटेन करने का प्रिजन में उसको यहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात रख सके उसको सुना जाएगा उसके बाद वो जो सेशन जज हैं वो जो कोर्ट है मे पास सच ऑर्डर ऑन द केस एज इट थिंक्स फिट जैसे उस कोर्ट को सेशन जज को सही लगे सेशन कोर्ट को सही लगे वो वहाँ पर उस ऑर्डर को कन्फर्म कर सके कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं आगे प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड एट पीरियड इफ़ एनी वो जो पीरियड होगा जिस पर्सन के लिए जिस के लिए किसी पर्सन को इम्प्रेशन किया जा रहा है सिक्योरिटी uh, ना देने के लिए वो तीन साल से ज़्यादा नहीं हो सकता मतलब तो किसी भी केस में वो तीन साल से ज़्यादा किसी पर्सन को इम्प्रेशन नहीं किया जा सकता अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा है तो आगे सबसेक्शन फ़ोर सबसेक्शन फ़ोर क्या कह रहा है सबसेक्शन फोर को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं फिर हमको ये आसानी से समझ आएगा सेक्शन मान लीजिए ए बी एंड सी हैं ये तीन पर्सन हैं इनकी जो है इंक्वायरी सेम ही चल रही है ए की इंक्वायरी में इन तीनों को डील किया जा रहा है प्रोसीडिंग जो है सेम चल रही है अब जो ये ए है इसको टू इयर्स के लिए सिक्योरिटी का ऑर्डर किया गया है इन बी और सी को सिक्स सिक्स मंथ्स के लिए सिक्योरिटी का ऑर्डर किया गया है तो अब ये ए को दो साल के लिए ऑर्डर किया गया है सिक्योरिटी का इसका जो केस है मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया अब इसका जो केस है ये कहाँ जाएगा सेशन कोर्ट में जाएगा सेशन जज इसका जो है इसकी प्रोसीडिंग कंफर्म करनी है फिर नहीं इसको डिटेन करना है प्रिजन में नहीं या फिर नहीं करना है वो सेशन जज देखेंगे सब सेक्शन थ्री में भी हमने पढ़ा है अब एक साल से ज़्यादा जब भी सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किया जाता है तो सेशन जज के पास कंफर्मेशन के लिए वो ऑडर जाता है अब ये इनकी सेम प्रोसीडिंग है ये ए बी ओ सी सेम प्रोसीडिंग में इनको डील किया जा रहा है अब बी ओ सी का भी जो केस है वो सेशन जज के पास ही भेजा जाएगा बेशक इनको जो है सिक्स सिक्स मंथ्स के लिए सिक्योरिटी uh, का ऑर्डर किया गया हो बट अब ये सेम प्रोसीडिंग में इनको डील किया जा रहा है तो इनका भी जो केस है वो सेशन जज के पास जाएगा उसके बाद जो है सेशन जज इसी तरीके से इनको डील करेंगे जैसे कि वो इस ए पर्सन को कर रहे हैं ओके okay. ये जो सबसेक्शन फोर है वो यही बात कह रहा है इफ़ सिक्योरिटी हैज़ बिन रिक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसीडिंग फ्रॉम टू और मोर पर्सन एक ही प्रोसीडिंग में दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन से सिक्योरिटी जो है रिक्वायर की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ होम द प्रोसीडिंग आर रेफर टू दी सेशन जज एंड एंड एक पर्सन की जो प्रोसीडिंग है वो सेशन जज को रेफर की गई है सबसेक्शन टू में सच रेफरेंस शेल ऑल्सो इंक्लूड द केस ऑफ एनी अदर ऑफ सच पर्सन हु हैज बिन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी तो यहाँ पर जो ये रेफर, रेफर किया गया ना ये जो केस है अगर इसी प्रोसीडिंग में कोई और पर्सन है तो ये जो ये रेफरेंस है इनकी रेफरेंस भी सेशन जज को भेजी जाएगी एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन टू एंड थ्री शेल इन दैट इवेंट अप्लाई टू द केस ऑफ सच अदर पर्सन ऑल्सो यहाँ पर इन जो बी और सी के लिए भी सबसे uh, टू और थ्री अप्लाई होंगे इनकी प्रोसीडिंग के लिए भी जो सबसेशन टू और थ्री जो है अप्लाई होंगे यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिख रखी है एक्सेप्ट दैट द पीरियड इफ एनी फॉर विच ही मे बी इम्प्रेजेंट शेल नॉट एक्सीड द पीरियड फॉर विच ही वॉज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ही मे बी इंप्रेजेंट मतलब कि जो ये बी और सी हैं इनको इम्प्रेजेंट जो किया जा रहा है सेशन जज जो, जो इनको इम्प्रजेंट कर रहे हैं वो जो इंप्रेजेंटमेंट है वो सिक्स मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि सिक्स मंथ्स के लिए उनको बोला गया था कि वो सिक्योरिटी दें अब अब जो सेशन जज उनको इम्प्रेजेंटमेंट दे रहे हैं वो सिक्स मंथ से ज़्यादा की नहीं हो सकती कैन नॉट बी मोर देन सिक्स मंथस आगे यहाँ पर सबसेक्शन फाइव है सबसेक्शन फाइव है सेशन जज में इन डिस्क्रिप्शन ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग लेड बिफोर हिम अंडर सबसे टू और सबसेक्शन फोर जो सेशन जज हैं अगर उनकी डिस्क्रिप्शन है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोसीडिंग जो उनके पास uh, सबसेक्शन टू या फिर सबसेक्शन फोर में आई है किसको ट्रांसफर कर सकते हैं अडिशनल सेशन जज को या फिर असिस्टेंट सेशन जज को एंड ट्रांसफर के बाद जो अडिशनल सेशन जज होंगे या फिर असिस्टेंट सेशन जज होंगे मे एक्सरसाइज दी पावर ऑफ सेशन जज वो सेम सेशन जज वाली जो पावर है एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग वो जो उस प्रोसीडिंग में सब सेक्शन टू में या फिर सब सेक्शन फोर में जो प्रोसीडिंग है उसमें जो सेशन जज हैं जो एडिशनल सेशन जज है फिर असिस्टेंट सेशन जज है वो सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके सेम पावर होगी जो कि सेशन जज के पास होती है सब सेक्शन सिक्स इफ दी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू तो टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल अगर सिक्योरिटी जो है टेंडर मतलब कि ऑफर की गई है मतलब उस पर्सन को जेल में डाल दिया गया वो पर्सन जो ऑफिसर है जो जेल के चार्ज में जो ऑफिसर है उसको कहता है कि सिक्योरिटी ले लो मुझसे आई एम रेडी टू गिव सिक्योरिटी वो टेंडर करता है उस ऑफिसर को जो कि जेल के चार्ज में है वो जो पर्सन है तो वो जो ऑफिसर है शेल विद रेफर दी मैटर टू कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वो जो ऑफिसर है वो इस बात को रेफर कर देगा कि वो जो पर्सन है वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है उस बात को उस कोर्ट या फिर उस मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा जिसने उस उसका ऑर्डर किया उसको डिटेन करने का ऑर्डर दिया है एंड शेल अ दी ऑर्डर्स ऑफ सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट एंड वो जो court, वो जो कोर्ट एवर मजिस्ट्रेट है उसके ऑर्डर का जो वेट है वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल करेगा कि जब वो कोर्ट एवर मजिस्ट्रेट कहेंगे कि इस पर्सन को इस डेट को पे लेके आ जाए कोर्ट में उस डेट का वेट करेगा वो जो ऑफिसर है एंड उस डेट को वो लेके जाएगा कोर्ट में उस पर्सन को सबसे सेवन क्या कह रहा है इम्प्रेजमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी अगर कोई पर्सन फ़ेल कर जाता है सिक्योरिटी देने से जो कि उससे रिक्वायर की गई है फॉर कीपिंग दी पीस पीस मेंटेन करने के लिए अगर उससे सिक्योरिटी रिक्वायर की गई है सेक्शन 106 एंड सेक्शन 107 में उस पर्सन से पीस मेंटेन करने के लिए पीस कीप करने के लिए उससे सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है तो अगर वो फ़ेल कर जाता है तो जो इम्प्रजमेंट होगी ना सिक्योरिटी के डिफ़ॉल्ट में वो जो जेल होगी वो जो है सिंपल होगी रेग्रेस नहीं होगी एंड इम्प्रेजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर गुड बिहेवियर के लिए अगर किसी पर्सन को बोला गया है सिक्योरिटी के लैंड वहाँ पर वो फेल कर जाता है तो जो इंप्रजनमेंट होगी ना अगर वो सेक्शन वन जीरो एट में है तो वो सिंपल होगी एंड अगर वो जो प्रोसीडिंग है वो सेक्शन वन जीरो नाइन या फिर वन जीरो टेन में है में, तो वो जिगरस भी हो सकती है सिंपल भी हो सकती है जैसे कि कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट को वहाँ पर सही लगे उस केस में जैसे कि वो डायरेक्ट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री की हेडिंग है पावर टू रिलीज पर्सन इम प्रजेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी तो हेडिंग से ये पता चल रहा है कि कुछ जो पर्सन है जिन्होंने जो फेल कर गए हैं सिक्योरिटी देने से जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी है उनको रिलीज करने की पावर यहां पर सेक्शन 123 में बताई गई है सब सेक्शन वन क्या कह रहा है वेन एवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है जहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है सेक्शन uh, वन में या फिर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को लगता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी और केस में लगता है कोई और केस मतलब कि सेक्शन वन हंड्रेड सिक्स का जो केस होता है तो इनका अगर ओपिनियन है इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पर्सन इमेंट इम्प्रेजेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर मे बी रिलीज तो इनका ये ओपिनियन है कि जिस पर्सन को किसी कोई पर्सन है जिसको जेल में डाला गया है इस चैप्टर में इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उसने सिक्योरिटी नहीं दी है इस रीज़न से उसको इम्प्रिजन किया गया है एंड तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि उस पर्सन को रिलीज़ किया जा सकता है विदाउट हज़ार टू द कम्युनिटी और एनी अदर पर्सन उस पर्सन को रिलीज़ किया जा सकता है एंड उसको अगर रिलीज भी कर दिया गया तो वो हज़ार नहीं होगा कम्युनिटी के लिए डेंजरस नहीं होगा या फिर किसी और पर्सन के लिए भी ही मे बी ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज तो तो वहाँ पर डीएम या फिर सी ऑर्डर कर सकते हैं उस पर्सन को डिस्चार्ज करने का सबसेक्शन टू क्या कह रहा है वैन एवर एनी पर्सन हैज़ बिन इम्प्रजेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर जब भी किसी पर्सन को इंप्रेजेंट किया गया जेल में डाला गया इस रीज़न से क्योंकि उसने सिक्योरिटी नहीं दी है इस चैप्टर में तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर अगर किसी और कोर्ट ने पास किया है ऑर्डर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अगर जो ऑर्डर पास किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सेक्शन वन हंड्रेड सेवनटीन में या फिर सी जी एम जो है किसी और केस में मतलब किसी और केस में मतलब सेक्शन वन हंड्रेड सिक्स में अगर ऑर्डर पास किया है सी जी एम ने तो इनमें से कोई भी कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एज द केस में भी वो उस पर्सन को जिसको इम्प्रजेंट किया गया है जिसने सिक्योरिटी नहीं दी है इस चैप्टर में वहाँ पर उसके लिए मे मेक एन ऑर्डर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर ऑर्डर पास किया जा सकता है जिस ऑर्डर में उसकी जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो रिड्यूस किया जा सकता है या फिर जो नंबर ऑफ श्योरिटीज़ हैं उनका अमाउंट रिड्यूस किया जा सकता है या फिर जो टाइम है वो सिक्योरिटी के लिए जो टाइम बताया गया है ऑर्डर वन हंड्रेड में जो टाइम बताया जाता है वो रिड्यूस किया जा सकता है मतलब मान लीजिए अगर किसी पर्सन को टू ईयर्स के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया उसको सिक्योरिटी के लिए बोला गया है अब वो जो है सिक्योरिटी नहीं देता है अब उसको इम्प्रेशन कर दिया उसको जेल में डाल दिया तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ सेशन के पास सी के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर पावर्स आ जाती हैं कि उस पर्सन के लिए ऑर्डर पास कर सकें जिसमें उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर सकें सिक्योरिटी का जो नंबर श्योरिटीज़ उसको बोली हैं ऑर्डर वन में ये सब कुछ बताया जाता है ये सब कुछ रिड्यूस करने का जो ऑर्डर है ये सेक्शन वन ट्वेंटी सब सेक्शन में पास हो सकता है आगे सबसेशन थ्री सबसेक्शन थ्री का कह रहा है एनी ऑर्डर अंडर सबसे वन जो भी सबसे वन में ऑर्डर किया जाता है मे डायरेक्टेड डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन आइदर विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन सबसेक्शन वन में अभी हमने देखा किस बात का ऑर्डर किया जाता है किसी पर्सन को डिस्चार्ज करने का अगर उसने सिक्योरिटी नहीं भी दी है तब भी अगर सी जी एम को या फिर डी को लगता है कि उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए हज़ार नहीं होगा ये कम्युनिटी के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए उसको डिस्चार्ज का ऑर्डर दे सकते हैं तो जब सबसेक्शन वन में ऑर्डर पास किया जाता है वो, वो जो है विद कंडीशंस विदाउट कंडीशंस भी किया जा सकता है और किसी कंडीशन पर भी किया जा सकता है कि उसको क्या जा सकता है कि ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है तभी मतलब ये कंडीशन ब्रीच नहीं होने चाहिए इन कंडीशन का नहीं तो तुमको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा तुमको दोबारा इम्प्रिजेंट कर दिया जाएगा एंड तुमको इस कंडीशन पर छोड़ रहे हैं हम ये कंडीशन तुमको फुलफिल करनी है एंड उस पर्सन को वो जो कंडीशन हो एक्सेप्ट भी करनी होती है प्रोवाइडेड एट एनी कंडीशन इम्पोज शेल सीज़ टू बी ऑपरेटिव वेन दी पीरियड ऑफ फॉर विच सच बोन्ट वर ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी इज़ एक्सपायर्ड ठीक है उसको ठीक है उस पर्सन को कंडीशन बोल दी गई कि यह कंडीशन फुलफिल करनी है तभी तुमको डिस्चार्ज किया जाएगा एंड तभी तुमको डिस्चार्ज करके रखा जाएगा तब तुमको इंप्रेसन नहीं किया जाएगा जेल में नहीं डाला जाएगा बाकी प्रोवाइज क्या कह रहा है कि वो जो कंडीशन है वो कब तक ऑपरेटिव रहेगी एंड वो कब सीज हो जाएगी वो कंडीशन तब सीज़ हो जाएगी जब वो जो पीरियड है जिसके लिए उसको सिक्योरिटी के लिए बोला गया वो जब वो पीरियड ही एक्सपायर हो गया तो वो कंडीशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी मतलब इसको एक एग्जांपल एक से समझते हैं मान लीजिए ये पर्सन है ये वन ईयर का उसको सिक्योरिटी पीरियड उसको मिला है वन ईयर के लिए उसको सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया उसने सिक्योरिटी नहीं दी अब यहाँ पर आके यहाँ पर आके उसको डिस्चार्ज कर दिया गया इतने से इतने पीरियड में ये वन ईयर का पीरियड है इतने से इतने पीरियड में फाइव मंथ्स तो वो जेल में रहा है अब आगे उसको इस यहाँ पर जो ये आगे से यहाँ से यहाँ तक सेवन मंथ्स का पीरियड हो गया सेवन मंथ्स यहाँ पे उसको कंडीशन बता दी गई तुमको इस कंडीशन पे छोड़ा जा रहा है डिस्चार्ज किया जा रहा है ये कंडीशन तुमको आगे फुलफिल करनी है अब मान लीजिए सेवन मंथ्स का पीरियड एक्सपायर हो गया यहाँ से यहाँ तक उसने कंडीशन वो फुलफिल कर के रखी एंड ये जो पीरियड है यहाँ पर वन ईयर का वो जो सिक्योरिटी का उससे डिमांड किया गया था वो एक्सपायर हो गया तो यहाँ पर जो ये पीरियड एक्सपायर हो गया ना इसके बाद ये जो कंडीशन है जो ये कंडीशन लगाई थी ये भी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी ये यह प्रोवाइजो यहाँ पर ये कह रहे हैं आगे सबसेक्शन फोर सबसेक्शन फ़ोर कह रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कंडीशन जिस पर कंडीशनल डिस्चार्ज किया जा सकता है मतलब किन कंडीशन पर किसी पर्सन को कंडीशनल डिस्चार्ज दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकती है सबसे आगे सबसेशन फाइव क्या कह रहा है सबसेक्शन फाइव कह रहा है कि जो कंडीशन इम्पोज की गई है ना जिस कंडीशन जो कंडीशन इम्पोज़ करने के बाद किसी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है वहाँ तो पर उस पर्सन को किसी कंडीशन पर डिस्चार्ज किया गया तो है तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में जहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है सेक्शन 117 में या फिर सीजीएम के ओपिनियन में जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या फिर तो जिस सीजीएम ने ऑर्डर दिया था डिस्चार्ज का या फिर उस डीएम या फिर सी के सक्सेसर को मतलब वो जो नेक्स्ट पर्सन उनके ऑफिस में आएगा उनको ये लगता है कि वो जो कंडीशन है जिस जिस कंडीशन पर उस पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है नॉट फुलफिल्ड ही में कैंसिल द सिम वो जो तो जो डिस्चार्ज का जो उन्होंने ऑर्डर दिया है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सी ने वो उस डिस्चार्ज के ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं एंड दोबारा उस पर्सन को इम्प्रजन किया जा सकता है डिटेन किया जा सकता है प्रिजन में आगे सबसेशन सिक्स क्या कह रहे हैं सबसेक्शन सिक्स कह रहे हैं वेन ए कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज़ बिन कैंसल्ड जहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर जो है डिस्चार्ज का वो कैंसिल हो गया कब डिस्चार्ज होता है जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती अभी हमने सब सेक्शन फाइव में बात यही जो प्रोविज़न पढ़ा है सच पर्सन में भी अरेस्टेड बाई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जब वो कंडीशनल uh, ऑर्डर uh, जो डिस्चार्ज का कंडीशनल ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया तो उस पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है एंड उसको डीएम के आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया या फिर तो सी के आगे प्रोड्यूस किया जा सकता है एज अ केस में भी एंड आगे वो जो डी एम या वैसे सी है जैसे उनको सही लगेगा वो वैसे ऑर्डर वो पास कर देंगे सब सेक्शन सेवन क्या कह रहे हैं सेक्शन सेवन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं मान लीजिए ये है यहाँ से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है एंड यहाँ एंड होता है वन ईयर के लिए उससे सिक्योरिटी के लिए बोला गया था उस पर्सन को वन ईयर के लिए ओके okay, अब वन ईयर के लिए उसको बोला गया था एंड उसने क्या करा तीन महीने ये थ्री मंथ्स हो गए तीन मंथ्स उसने इंप्रेजन मतलब जेल में काटे उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया यहाँ पर उसको कंडीशन बता दी यहाँ तक वो डिस्चार्ज रहा यहाँ तीन महीने उस वो डिस्चार्ज रहा वो जेल से बाहर रहा अब यहाँ पर उसने कंडीशन का ब्रीच कर दिया अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पीरियड है ये क्या हो गया ये पीरियड हो गया सिक्स मंथ्स अब यहाँ पर उस पर्सन ने उस इस कंडीशन का ब्रीच कर दिया अब आगे सिक्स मंथ्स का पीरियड रिमेनिंग है सब सेक्शन सेवन क्या कह रहा है अगर वो पर्सन यहाँ से यहाँ तक के लिए सिक्योरिटी नहीं देता है तो उसको डिटेन डि डि कर दिया जाएगा उसको इम्प्रजेंट कर दिया जाएगा बट अगर वो सिक्योरिटी दे दे देता है उसके जो प्रोविज़न है वो सेक्शन एट में है अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तब उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा सब सेक्शन सेवन देखते हैं अनलेस सच पर्सन गिव सिक्योरिटी जब तक वो पर्सन सिक्योरिटी नहीं देता जैसे कि ओरिजिनल ऑर्डर में बताया गया था फॉर दी अनएक्सपायर्ड पोर्शन अनएक्सपायर्ड पोर्शन कौन सा है जो है सिक्स मंथस है अनएक्सपायर्ड पोर्शन है क्योंकि वो पर्सन तीन महीने के लिए रिलीज था अब छः महीने उसके रह गए हैं अनएक्सपायर्ड पोर्शन छः महीने का है अगर वो छः महीने के लिए सिक्योरिटी नहीं देता जैसे कि ओरिजिनल ऑर्डर में बताया गया है ऑफ विच ही वॉज इन द फर्स्ट इंस्टेंस कमिटेड टू ऑर्डर ऑफ डिटेन सच पोर्शन वो जो पोर्शन है अनएक्सपायर्ड पोर्शन को यहाँ पर डिफाइन किया गया सच पोर्शन बींग डीम्ड टू बी पीरियड इक्वल टू द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन ये डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है ये यह, यहाँ पे ब्रीच किया था कंडीशन का एंड दी डेट ऑन विच एक्सेप्ट फॉर सच कंडीशनल डिस्चार्ज ही वुड हैव बीन एंटाइटल टू रिलीज अगर कंडीशनल डिस्चार्ज ना होता तो वो जिस पीरियड पे वो एंटाइटल होता रिलीज होने के लिए यहाँ पे वो एंटाइटल होता वन ईयर का बॉन्ड वन ईयर के लिए सिक्योरिटी यहाँ तक है तो ये जो ये पीरियड है ये अनएक्सपायर्ड पोर्शन है इस सिक्स मंथ्स के पोर्शन के लिए अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है फिर सी जो है मे रिमांड सच पर्सन टू प्रीजेंट टू अंडर को सच अनएक्सपायर्ड पोस् पोर्शन तो अगर वो इस रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं देता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सी जो है उसको रिमांड कर सकते हैं उसको इमप्रेजेंट कर सकते हैं उस अनएक्सपायर्ड वो सिक्स मंथ जो हम इसमें एग्जाम्पल कर रहे हैं उसके उस पीरियड के लिए उसको रिमांड कर सकते हैं उसको इम्प्रजेंट उसको डिटेन कर सकते हैं उसको डिटेंशन का ऑर्डर दे सकते हैं आगे यहाँ पर सबसेक्शन एट है सबसेक्शन एट किस बारे में बात कर रहे हैं देखिए सबसेक्शन सेवन में क्या था उस पर्सन को डिटेन रिमांड कर दिया जाए रिमांड कर दिया जाएगा प्रिजन में अगर वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं देता है आगे उसके सबसेक्शन एट कंटिनस में कह रहा है कि जो पर्सन को जिसको रिमांड किया गया है सबसेक्शन सेवन में शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न वो जो पर्सन को रिमांड किया गया है सबसेक्शन सेवन में रिलीज़ उसको कर दिया जाएगा एट एन एट एनी टाइम जब भी वो सिक्योरिटी देगा ना तब उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर वो सिक्योरिटी देता है विद द टर्म्स ऑफ औरिजिनल ऑर्डर फॉर दी अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ अफोर्ड टू दी कोर्ट और मजिस्ट्रेट तो अगर वो पर्सन जैसे कि ओरिजिनल ऑर्डर में लिख रखा था वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए सिक्योरिटी uh, दे देता है तब उसको रिलीज कर दिया जाएगा वहाँ पर सिक्योरिटी किसको देनी है कोर्ट को या फिर मजिस्ट्रेट को जिन्होंने वो ऑर्डर दिया था या फिर उनके कोई सक्सेसर को कोई जो नेक्स्ट पर्सन उनके ऑफिस में आ जाता है तो सबसेक्शन नाइन क्या कह रहा है सबसेक्शन नाइन कह रहा है जो हाई कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है किसी भी टाइम पर अगर उनके पास सफिशिएंट रीज़न है वो रिकॉर्ड करेंगे जो सफिशेंट रीज़न है उनके पास वो सफिशेंट रीज़न को रिकॉर्ड करेंगे एंड वो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं बॉन्ड जो कि किसी पर्सन को बोला गया पीस मेंटेन करने के लिए फिर गुड बिहेवियर के लिए जो भी इस चैप्टर में एग्जीक्यूट किया गया है बाय एनी ऑर्डर मेड बाय इट तो हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन है अगर उन्होंने किसी पर्सन को की पीस मेंटेन करने के लिए आ, गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया है तो किसी भी टाइम पर उस बॉन्ड एग्जीक्यूट के ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं आगे क्या लिख रखा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया गया फिर सी चीफ जुडिशियल वो भी कैंसलेशन कर सकते हैं जहाँ पर उन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया था मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट uh, के अगर ऑर्डर में किसी पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल कर सकते हैं और चीफ जुडिशियलियलियलियलियल मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्होंने किसी पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया या फिर किसी और कोर्ट ने उस डिस्ट्रिक्ट में बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया सी जो है मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर दिया किसी पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का वो तो कैंसिल कर ही सकते हैं उस ऑर्डर को साथ में जो सी से सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट अगर जे ने भी अगर किसी को बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया है तो वो सी जो है उस बॉन्ड उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं सबसेक्शन नाइन में आगे सबसेक्शन टेन सबसेक्शन टेन क्या कह रहा है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये सबसेक्शन कह रहा है कि मान लीजिए एक्स पर्सन है एक्स पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट का ऑर्डर दिया गया इसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया इसको दो श्योरिटीज़ के लिए बोला गया ये ए और बी श्योरिटीज़ ले आया इन्होंने भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया ठीक है अब ये जो ए पर्सन है ना ये अगर कोर्ट में अप्लाई करना चाहे कि मुझे जो मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया ना ए कहता है कि मुझे इस बॉन्ड एग्जीक्यूट को कैंसिल करवाना है बॉन्ड को कैंसिल करवाना है तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये सेक्शन टेन में लगती है ये ए जो है कोर्ट में जाएगा कोर्ट को कहेगा कि जो मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया है इसको कैंसिल कर दो इसकी एप्लीकेशन लगाएगा सब सेक्शन टेन में ए ने एक्स के बिहाफ पे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया है वो एज ए यहाँ पर गारंटर है कि एक्स जो है गुड uh, बिहेवियर या फिर पीस मेंटेन करके रखेगा ही इज़ ए श्योरिटी ये कोर्ट में जाएगा कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट इसका जो बॉन्ड है ये कैंसिल कर देगी एंड वहाँ पर कोर्ट जो है उस टाइम पर एक्स को समन करने का ऑर्डर कर देगी या फिर एक्स को वारंट भेज देगी कि एक्स को कोर्ट में आना है फिर यही यहाँ पर सबसेक्शन सेवन टेन के, के रहा है जो भी श्योरिटी है किसी जिसको ऑर्डर दिया गया बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का किसी के पीसीबल कंडक्ट के लिए या फिर गुड बिहेवियर के लिए किसी अन अदर पर्सन के इस चैप्टर में वो किसी भी टाइम पर अप्लाई कर सकता है कोर्ट में मेकिंग सच ऑर्डर टू कैंसल दी बॉन्ड वो किसी भी टाइम पर अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि वो बॉन्ड को कैंसिल करे एंड ज उस एप्लीकेशन पर जो कोर्ट है समन इशू कर देगी या फिर वारंट इशू कर देगी जैसे भी कोर्ट को सही लगे रिक्वायरिंग द पर्सन फॉर होम सच श्योरिटी इज बाउंड किसके लिए समन या फिर वारंट इशू कर देगी कोर्ट उस पर्सन के लिए जिस पर्सन के लिए श्योरिटी बाउंड है ये जो श्योरिटी है किस पर्सन के लिए बाउंड है एक्स के लिए बाउंड है तो इस पर्सन को जो कोर्ट जो है सामान या फिर वॉरेंट इशू कर देगी कि वो अपीयर हो या फिर उसको कोर्ट में लेके आया जाए तो ये थे प्रोविज़न सेक्शन 123 के नेक्स्ट एग्जाम्पल सेक्शन 124 है सेक्शन 124 ट्वेंटी सिंपल सेक्शन है दो ही सब सेक्शन है इसके ये कह रहा है कि सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड तो इसको भी पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए वही एक्स पर्सन है इसने दो श्योरिटी ये लेके आया इसने खुद भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा दिया और दो श्योरिटी ये दो गारंटर लेके आया अब ए जो है कोर्ट को ये लगता है कि ये जो ए है ना ये अनफिट पर्सन है ये अनफिट पर्सन है अनफिट पर्सन कब लगता है से, सेक्शन वन ट्वेंटी वन सब सेक्शन थ्री प्रोवाइज हमने पहले ही पढ़ा है आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं बेरक में जाके देख सकते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि श्योरिटी जो है अनफिट पर्सन है तो उस श्योरिटी का जो बॉन्ड है वो रिजेक्ट कर सकती है फिर रिफ्यूज़ कर सकती है जो कोर्ट है कोर्ट के पास ये पावर होती है तो पहला तो ये केस हो गया दूसरा केस क्या है सेक्शन सबसेक्शन टेन ऑफ सेक्शन 123 जो अभी हमने पढ़ा कि ये श्योरिटी खुद जाएगा कोर्ट में कहेगा मेरा बॉन्ड जो है कैंसिल कर दो ये दो केसेस हैं यहाँ पर तो ये दो केसेस अगर होते हैं तो आगे क्या होगा ये सेक्शन में बताया गया है तो ये कह रहा रहे सबसेक्शन वन कह रहा है जो पर्सन है जिसकी अपेरेंस के लिए समन या फिर वॉरेंट इशू किया गया है सबसेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन वन ट्वेंटी वन में या फिर सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री के सबसेक्शन टेन में हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो ये एक्स की अपेयरेंस के लिए समन uh, या फिर वारंट इशू करा है कोर्ट ने एक्स जो है अपेयर हो जाता है या फिर लेके आ जाता है उसको कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के सामने तो जो मजिस्ट्रेट या फिर जो कोर्ट है वो कैंसिल कर देगी बॉन्ड जो इस पर्सन ने एग्जीक्यूट करवाया है एक्स पर्सन ने एंड कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देंगे वहां पर उस पर्सन को कि अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए मतलब जो पोर्शन आगे का जो पोर्शन रहता है उसके लिए वो फ्रेश सिक्योरिटी सेम डिस्क्रिप्शन की लेकर आए जैसे कि ओरिजिनल सिक्योरिटी वो लेके आया था मतलब कि जो ओरिजिनल ऑर्डर में थी उसको दोबारा वो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कोर्ट को अगर इन दोनों में से कोई भी केस होता है उस पर्सन को एक्स को ये भी ऑर्डर कर सकती है कोर्ट की अब तो ए तो श्योरिटी है नहीं तो दूसरा कोई श्योरिटी लेकर आओ एंड उसको साथ साथ ये तो ऑर्डर होगा ही कि तुम जो सिक्योरिटी है वो दोबारा अपनी जो बॉन्ड है दोबारा एग्जीक्यूट करवाओ सिक्योरिटी दो उसी डिस्क्रिप्शन की जैसे कि ओरिजिनल सिक्योरिटी तुमने दी थी सब सेक्शन टू क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर है ना सेक्शन वन या फिर वन में वो उसको ऑर्डर हम मान लेंगे सेक्शन वन या फिर सेक्शन वन वन सेवन का, 117 का. तो ये सेक्शन 124 इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है आ, ये जो चैप्टर एट है कंप्लीट होता है सो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा वीडियो समझ आई होगी अगर समझ आया ये सभी सेक्शंस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड और भी जो वीडियोस हैं सीआरपीसी की इससे पहले सभी प्ले में अपलोडेड हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप जाके फॉलो कर सकते हैं और जो वीडियोस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट टी पी सभी प्ले में अपलोडेड हैं वहाँ जा और ऑल सब्जेक्ट्स देख सकते हैं सो so, यही था आज के लिए दैट वॉल इट फॉर टुडे हैव हैवे नाइस डे